हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो है जन्माष्टमी से एक दिन पहले की। तो यहाँ पे हम लोग गए थे अपने कान्हा जी के लिए वस्त्र खरीदने। फिर वस्त्र खरीदने के बाद ये वीडियो है हमारे दूसरे दिन की, जिस दिन जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी के रात की। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने कान्हा जी को नहलाएंगे कच्चे दूध से, उसके बाद दही से, उसके बाद घी से, फिर शहद से, फिर पानी से। हम अच्छे से इनको नहलाएंगे। नहलाने के बाद हमने इनको गंगा जल से नहलाया, छिड़का इनके ऊपर। उसके बाद हमने इनको अच्छे से साफ़ करके इनको इनके वस्त्र पहनाए, फिर आभूषण पहनाए, फिर चूड़ी पहनाई, जो जो इनके लिए लाया था सब पहनाया। फिर इनको विराजमान करा दिया गया इनके झूले पर, और फिर टीका मम्मी ने लगाया, इनकी पूजा पाठ की अच्छे से। देखिए कितने छोटे छोटे से यहाँ पे माखन हम लोग ने बनाए थे आर्टिफिशियल वाले। उसके बाद यहाँ पे पूजा हुई हमारे कान्हा जी की। उसके बाद इनको भोग लगाया। तो अच्छा लगता है ये दिन ना, ये दिन एक त्यौहार की ही तरह होता है, जैसे हम सब मनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद इनका ये माखन रखा है, जो इनको मम्मी खिला रही थी ना, इनके मुँह में थोड़ा सा लगाया, इनके पूरे मुँह में लग गया, इतने मतलब लग रहा था, क्या ही बताऊँ। उसके बाद इनको भोग लगाया गया, पंजीरी का, चना मिर्च का, पेड़े का, केला था, सेब था, ये सब था। तो ये कुछ ऐसी रही हमारी जन्माष्टमी। तो कुछ ऐसा सजाया था हमने अपने कान्हा के जन्मदिन का मंदिर। तो देखिए आप लोग को कैसा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।